हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सोनू वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आपका पता ही होगा जैसा कि डाक ऑफिस का जो होता है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट रहता था पहले, तो आप उसमें कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ किया गया है। आप जो एक नई एप्लीकेशन उनके आई है डाक पे, जैसे कि SBI पे, योनो पे ऐसे होता है, वैसे इसकी डाक एप्लीकेशन आई है डाक पे, जिससे आप पैसे लेन देन और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो, मैं इसके बारे में बताऊँ तो आप लोग पहले प्ले स्टोर पर यह डाक पे एप्लीकेशन डाउनलोडिंग करके ओपन कर लेना है। ओपन करते तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई है, जो भी मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है वो वेरीफाई होना चाहिए किसी भी बैंक अकाउंट से। ये नहीं है कि आप इन्हीं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जो भी बैंक अकाउंट है आपका वो यहाँ पे लिंक कर सकते हो, चाहे वो SBI या कुछ का भी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी हो, वो यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई सी भी ईमेल आईडी दे दो, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लो, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे टाइप कर दो। तो मेरा है 2002 एक जनवरी, तो देखो यहाँ पे 1 जनवरी मैं 2002 पे क्लिक कर लेता हूँ पहले, और कुछ ऐसे ही आप लोग भी कर लेना है, ठीक है। ध्यान से देखना ये वीडियो को, और यहाँ पर देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने मेल के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे एक पासकोड आपको टैप करना होगा, जो भी आप ऐप ओपन करोगे तो यही डालना होगा। तो पासकोड अपना चूज़ कर लेना यहाँ पे, और फिर नीचे टर्म्स को एक्सेप्ट करके फिर अपना रजिस्ट्रेशन जो है इसको क्लिक करना, रजिस्ट्रेशन पर। ये देखो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर यहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट लिंक करने का जो ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, एक्टिवेट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे मेरा 2 अकाउंट है, तो देखो दोनों अकाउंट आ चुका है मेरा यहाँ पे, तो मैं एक्टिवेट करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग। यहाँ पर UPI पिन डालना है, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं, हम ये भी अकाउंट लिंक कर लेते हैं। फिर से आपको UPI पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। UPI पिन जैसे डालते हो आप, जो भी आपका UPI पिन है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। ये भी एक्टिवेट हो चुका है, तो चलो इसके होम स्क्रीन पे लेके चलते हैं आप। ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फिर ऊपर आपका UPI ID और अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर UPI ID दिया गया है, और यहाँ पर देखो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अकाउंट का, तो आप यहाँ से भी अकाउंट पर जो है क्लिक करके यहाँ पे जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। पे का ऑप्शन मिलेगा, पे पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप ऊपर जो है उसका UPI ID डालना है आपको, या अकाउंट नंबर कुछ भी डालो, और यहाँ पे पेमेंट डालना है, कितना डालना है आपको, जितना भी ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कुछ भी लिख देना है उसको, तो यहाँ पर नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, उसके पास पैसा जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर मेनू पे आके यहाँ पर देखो अपने होम स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगा सकते हो प्रोफाइल पे, तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस का आइकन जो दिया गया है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हो आपका जो भी बैंक है, यहाँ पर सारी बैंक आ जाती है जितनी भी इंडिया के अंदर है, तो वो सब बैंक जो है यहाँ पर आ जाएगी, जो जिसमें भी आपका अकाउंट चालू है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना, ठीक है। और देखो जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेगा वो, और यहाँ पे QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया है। गैलरी का भी ऑप्शन है, QR कोड स्कैन करके किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देख लिए आप लोग, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो ये मेरी वीडियो को लाइक कर देना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। देखो यहाँ पर पासकोड डालना है, जो पहले आप इस्तेमाल किए थे वो पासकोड यहाँ पर डाल के ओपन कर लेना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फिर ये ऐप का। आप लोग यहाँ से हिस्ट्री भी देख सकते हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके, और ऊपर मेन्यू पे क्लिक जैसे करते हो आप, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेके दिखा दे रहा हूँ आपको ऑन करके। तो देखो फिंगरप्रिंट सेंसर पे आप जैसे QR कोड है, यहाँ पे आपका किसी को पेमेंट लेना है किसी से तो आप बना सकते हो। यहाँ से फिंगरप्रिंट सेंसर पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को जो सेट कर लेना है, जैसे कि आप लोग ऐप ओपन करोगे तो जैसे आप मोबाइल स्क्रीन लॉक खोलते हो फिंगर से, तो वैसे ही खोल सकते हो आप लोग, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पासकोड की। तो देखो बहुत सारी ऑप्शन मिलती है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए टेक केयर।